हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है के नर्सिंग क्लासेज में। और काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहे थे कि पीडियाट्रिक पढ़ाइए सर, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं आज हम, तो पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन। पहले इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करेंगे, तो इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि पीडियाट्रिक होता क्या है। तो ये होता है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस। डेफिनेशन में देखा, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यह एक ब्रांच है मेडिसिन की, जिसके अंदर स्टडी करते हैं ट्रीटमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की एज की बात करें तो इसमें जो एज होगी 0 से 18 ईयर, ठीक है। तो पीडियाट्रिक वर्ड जो है, जो पीडियाट्रिक वर्ड है वो दो वर्ड से फॉर्म हुआ है, फॉर्म बाय टू वर्ड्स, एक है पीडिया और दूसरा है आइट्रिक्स। जो पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड और आइट्रिक्स का होता है ट्रीटमेंट। तो पीडियाट्रिक्स वर्ड से ही पता चलता है कि इसके अंदर चाइल्ड के ट्रीटमेंट का अध्ययन किया जाएगा। और फादर की बात करें, फादर ऑफ पीडियाट्रिक, फादर ऑफ पीडियाट्रिक हैं अब्राहम जैकोब। तो अपन ने देखा पीडियाट्रिक डेफिनेशन देखी अपन ने, फिर देखा अपन ने पीडियाट्रिक वर्ड किन से मिलके बना हुआ है, और फिर देखा अपन ने फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। क्लियर यहां तक का? ये इंट्रोडक्शन अपन ने, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया। यहां तक सब समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। इनिशियल असेसमेंट एक नर्सिंग ऑफिसर का क्या होगा न्यूबॉर्न के लिए? इनिशियल मतलब सबसे पहला, तुरंत। असेसमेंट मतलब क्या होता है? नोटिस या मतलब मूल्यांकन, कि मतलब सबसे पहले असेसमेंट क्या करेगा कि न्यूबॉर्न में एक नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो इसको अपन टॉपिक्स में कर लेते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले असेस करेगा, असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या असेस करेगा न्यूबॉर्न में? रेस्पिरेशन। वो किसके थ्रू? कि रेस्पिरेशन इनिशिएशन हुआ है नहीं हुआ, ये किससे पता चलेगा? क्राइंग ऑफ न्यूबॉर्न। अगर न्यूबॉर्न क्राई कर रहा है
तो उसमें रेस्पिरेशन इनिशिएशन हो चुका है, सबसे पहला असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट यही है, ठीक है। सेकंड की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एपगार स्कोर, एपगार स्कोर चेक करेगा एक नर्सिंग ऑफिसर, कब कब करेगा, 1 मिनट एंड 5 मिनट ऑफ एज ऑफ न्यूबॉर्न की 1 मिनट और 5 मिनट की एज के ऊपर एपगार स्कोर चेक करेगा। वो एपगार स्कोर क्या है ये अपन इसके बाद में जानेंगे, ठीक है। तो पहला असेसमेंट क्या होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इनिशिएट हुआ या नहीं हुआ, वो कैसे पता चलेगा कि जब न्यूबॉर्न क्राई कर रहा है तो उससे अपने को पता चलेगा। थर्ड की बात करें तो असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न फॉर कंजनाइटल कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज, किसका असेसमेंट करेगा कि न्यूबॉर्न में कोई कंजनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो थर्ड पॉइंट क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, अपन ने 3 असेसमेंट देख लिए हैं, फोर्थ असेसमेंट की तरफ चलते हैं, मॉनिटर साइन ऑफ न्यूबॉर्न फॉर रेस्पिरेटरी, मॉनिटर साइन ऑफ न्यूबॉर्न फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, किसके साइन मॉनिटर करेगा कि न्यूबॉर्न में कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है कि एल्वोलाई के अंदर कोई फ्लूइड बिल्डअप हो गया, इन एल्वोलाई, इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर O2 का लेवल डिक्रीज होगा। जब O2 का लेवल डिक्रीज होगा ब्लड स्ट्रीम में तो जो ऑर्गन है उसके अंदर भी O2 लेवल डिक्रीज होगा, और ये कंडीशन क्या है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। तो मॉनिटर साइन ऑफ न्यूबॉर्न फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो इसमें कौन कौन से साइन है जिसको अपन देखेंगे। कौन कौन से साइन है इसमें, फर्स्ट साइन है नेजल फ्लेयरिंग, ये साइन नहीं एक सिम्टम है, और जो कि फर्स्ट सिम्टम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर एक न्यूबॉर्न में हो रहा है तो फर्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, वो है नेजल फ्लेयरिंग। क्या होता है, जब बच्चा ब्रीथिंग कर रहा है तो उसके जो नोस्टिल हैं, दोनों नोस्टिल वो वाइडन हो जाएंगे, जो ब्रीथ करेगा तो वाइड नोस्टिल देखने को मिलेंगे नेजल फ्लेयरिंग के अंदर, और ये किसका फर्स्ट सिम्टम है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। सेकंड बात करते हैं, फर्स्ट अपन ने देखा नेजल फ्लेयरिंग, अब सेकंड देखते हैं इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मल जब आदमी रेस्पिरेशन करता है, नॉर्मल एक एडल्ट या नॉर्मल एक चाइल्ड एक रेस्पिरेशन करता है, तो जब वो रेस्पिरेशन करेगा तो रिब्स जो मसल होगी वो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन के दौरान
बाहर की तरफ आउटवर्ड मूवमेंट करेंगी, इंस्पिरेशन के दौरान आउटवर्ड मूवमेंट होगा उनका। पर इस कंडीशन में जब बच्चा इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन कर रहा है तो इस कंडीशन में इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा और यह एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। अपन ने सेकंड देखा, अब देखते हैं थर्ड। इसके अंदर बच्चे के अंदर ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलेगी। ग्रंटिंग साउंड क्या होती है? डीप और शॉर्ट साउंड देखने को मिलेगी जब बच्चा ब्रीथ कर रहा है। और ये क्या किस लिए होती है? जब एल्वोलाई के वेंटिलेशन में अगर किसी चीज की दिक्कत आ रही है तो उस कंडीशन में ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलती है। फोर्थ, टेकिपनिया। बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा रेस्पिरेशन देखने का। नॉर्मल रेस्पिरेशन बच्चे में क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देता हूं 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिलता है एक न्यूबॉर्न में। लेकिन टेकिपनिया कंडीशन है तो मोर देन 60 ब्रीथ देखने को मिलेंगी एक न्यूबॉर्न में, टेकिपनिया देखने को मिलेगा। फिफ्थ होगा साइनोसिस। बच्चा ब्लूइश कलर की स्किन देखने को मिलेगी अगर किसी में साइनोसिस है तो ब्लूइश कलर की स्किन कब देखने को मिलेगी? जब लंबे टाइम से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो उस कंडीशन में स्किन का कलर ब्लूइश हो जाएगा। तो सबसे लेट सिम्टम की बात करें, लेट सिम्टम तो साइनोसिस लेट सिम्टम है। ठीक है, अपन ने इनिशियल असेसमेंट में देखा तो फोर्थ पॉइंट था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसके अपन ने पांच पॉइंट देखे। सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या है? नेजल फ्लेयरिंग। सबसे लास्ट सिम्टम क्या है? साइनोसिस। अपन ने देखा नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद की बात करें अगर आप सभी को समझ में आ रहा है या फिर कुछ दिक्कत लग रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपन कमेंट करके बताएंगे कि क्या कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, अब बात करेंगे इनिशियल इंटरवेंशन ऑफ न्यूबॉर्न। इनिशियल इंटरवेंशन क्या होगा एक नर्सिंग ऑफिसर का एक न्यूबॉर्न के लिए? तो इसमें सबसे पहले सक्शनिंग, पहले के टाइम पे सक्शनिंग कंपलसरी था। सक्शनिंग करना कंपलसरी था, चाहे नेजल या ओरल कैविटी में कोई फ्लूड या फिर जो एमनियोटिक फ्लूड है, बच्चे में एमनियोटिक फ्लूड भरा हुआ होता है नेजल और ओरल कैविटी में, वो फ्लूड हो या चाहे मत हो, वो एक कंपलसरी था। लेकिन न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब वो कंपलसरी नहीं, एक ऑप्शनल है। अगर वहां पे फ्लूड नहीं है, एयरवे बिल्कुल क्लियर है तो सक्शनिंग करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सक्शनिंग में देख लेते हैं इसमें क्या करते हैं, जो एयरवे की कैविटी है इनको अपन सक्शनिंग के थ्रू सक्शन करके इनको क्लियर करेंगे। ठीक है, जो एयरवेज कैविटी है उनको सक्शन करके उनको क्लियर करना इसका पर्पज होगा। ठीक है, अब इसका देखें इसका सीक्वेंस क्या होगी, जो एयरवे कैविटी तो दो है, नेजल भी है और ओरल भी है, तो फर्स्ट किसको क्लियर करेंगे, किस में सक्शन करवाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट सक्शन किसका करेंगे। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होगा ओरल और सेकंड होगा नेजल। इसको अपन MAN से याद कर सकते हैं, मैन से
एम से आएगा माउथ और एन से नेजल, फर्स्ट माउथ आफ्टर दैट नेजल। तो अपन ने सीक्वेंस देखा, अब ये सीक्वेंस देखने का कारण क्या है, अगर अपन पहले नेजल कैविटी को सक्शन कर दिया तो क्या उसके डिसएडवांटेज होंगे। अपन ने सबसे पहले चलो माना कि नेजल कैविटी में सक्शन कैथेटर इंसर्ट करवाया, तो जब कोई नेजल कैविटी में कोई बाहरी एलिमेंट जाएगा तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, जो भी मरीज होगा वो क्या करेगा, स्नीजिंग। जब स्नीजिंग करेगा उस टाइम डीप ब्रीथ होगी और बच्चे का जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में एमनियोटिक फ्लूड भरा हुआ है, अगर एमनियोटिक फ्लूड भरा हुआ है वो डीप ब्रीथ करेगा और सारा जो ओरल कैविटी का जो एमनियोटिक फ्लूड है वो रेस्पिरेटरी के थ्रू बच्चे के फेफड़ों में चला जाएगा और कंडीशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की हो जाएगी। इसके अपोजिट अगर फर्स्ट अपन ओरल कैविटी को क्लियर करते हैं उसके बाद नेजल कैविटी को क्लियर, नेजल कैविटी में सक्शन कैथेटर इंसर्ट करवाएंगे, स्नीजिंग होगी लेकिन अब ओरल कैविटी क्लियर है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से अपन ने उसको प्रिवेंट कर लिया। तो इसको सीक्वेंस को बहुत आसान है, इसको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन प्रेशर की, सक्शन प्रेशर। एडल्ट के लिए सक्शन प्रेशर क्या होता है, न्यूबॉर्न के लिए क्या होता है, प्री टर्म के लिए क्या होता है, वो सब अपन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर की बात करें अपन देख लेते हैं टर्म में, प्री टर्म, एडल्ट्स और चाइल्ड, ओल्डर चाइल्ड। तो टर्म की बात करें तो टर्म बेबी में होता है 60 से 80 mmHg, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एडल्ट में भी इंपॉर्टेंट। टर्म में होता है सक्शन प्रेशर 60 से 80 mmHg, प्री टर्म की बात करें तो प्री टर्म में होता है 40 से 60 mmHg, एडल्ट्स में 100 से 120 mmHg और ओल्डर चाइल्ड की बात करें तो 80 से 100 mmHg। ये अपन ने देखा सक्शन प्रेशर, इसको अपने को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग, सक्शनिंग की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो वो होता है 5 से 10 सेकेंड। कितने देर के लिए करते हैं सक्शनिंग, 5 to 10 सेकेंड। अगर 10 सेकंड से अगर प्रोलॉन्ग कर देंगे, 10 सेकंड से अगर ज्यादा कर देंगे सक्शनिंग तो क्या होगा, साइनोसिस, साइनोसिस देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर या एडल्ट हो उसके अंदर O2 डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर किसी का सीक्रेशन ज्यादा आ रहे हैं और सक्शनिंग करवाना है तो सक्शन पहले अपन मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए करेंगे, फिर उसका पल्स ऑक्स के थ्रू उसको चेक करेंगे कि उसका सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है, अगर वो 90 से 95 के अराउंड है तो अपन उसको दोबारा से 10 सेकंड के लिए फिर सक्शन करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसका 90 से कम आ गया है तो उसको पहले O2 थेरेपी देंगे और उसके बाद में जब उसका सेचुरेशन 90 से ऊपर हो जाएगा तो उसके बाद फिर से सक्शनिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पे ये साइनोसिस नहीं, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सक्शनिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। इक्विपमेंट की बात करें तो सबसे पहले चाहिए कि अपने को सक्शनिंग मशीन, म्यूकस सकर और थर्ड पे एसेप्टो सिरिंज या बल्ब
सिरिंज, ठीक है। ये तीन इक्विपमेंट अपने को सक्शनिंग के दौरान जरूरत पड़ेगी। सक्शनिंग मशीन का आप डायग्राम गूगल पे डाल के देखना, इम्पोर्टेंट है। म्यूकस सकर इसका डायग्राम देखना, एसेप्टो या बल्ब सिरिंज जो होता है वो ऐसे होती है, ये सिरिंज, इसके पीछे एक बल्ब नुमा होता है, ये सिरिंज और पीछे बल्ब होता है जिसको अपन प्रेस करेंगे तो उसके नेगेटिव प्रेशर बनेगा और वो सिक्रेशन को सक करके खींच लेगा, ठीक है। तो अपने पहला इंटरवेंशन देखा अपन ने, जो इक्विपमेंट चाहिए थे वो देखे, सक्शन प्रेशर देखा, ड्यूरेशन देखा, अब अपन देखते हैं सेकंड। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के अंदर अपन पहले देखते हैं इसके अंदर कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होगी। तो इसके अंदर तीन इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कोचर फोर्सेप, सेकंड सर्जिकल ब्लेड या सीजर, थर्ड कॉर्ड क्लैंप्स। ये दो में दो चाहिए और ये भी दो चाहिए। कोचर फोर्सेप कैसी होती है? कोचर फोर्सेप इस प्रकार की होती है, इस टाइप के कोचर फोर्सेप का एक डायग्राम अपन देख सकते हैं। सर्जिकल ब्लेड चाहिएगी कॉर्ड काटने के लिए और क्लैंप करने के लिए कॉर्ड क्लैंप चाहिए, दो। तो अब इसका देख लेते हैं प्रोसीजर। इक्विपमेंट देख लिए, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के अपने इक्विपमेंट जान लिए, अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर कैसे अपन परफॉर्म करेंगे, तो इसको अपन ऐसे देखते हैं। ये है चाइल्ड की साइड, ये अम्बिलिकस है और ये है मदर की साइड, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड, इसमें कहां से कट लगाएंगे ये अपन देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्लैंप होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर पे, बच्चे की तरफ से, न्यूबॉर्न के अम्बिलिकस की साइड से 5 सेंटीमीटर पर फर्स्ट क्लैंप करेंगे, ठीक है। और जो सेकंड क्लैंप होगा वो भी चाइल्ड के अम्बिलिकस की साइड से, पर ये होगा 2.5 सेंटीमीटर के लेंथ पे। तो फर्स्ट क्लैंप होगा 5 सेंटीमीटर पे और सेकंड क्लैंप होगा 2.5 सेंटीमीटर पे, और जो इसमें कट लगेगा कॉर्ड पे वो इन दोनों के मिड में लगेगा, इन दोनों के मिड पे कट लगेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल रिमेनिंग लेंथ क्या होगी अम्बिलिकल कॉर्ड की टुवार्ड्स न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की साइड से जो लेंथ होगी अम्बिलिकल कॉर्ड की वो होगी 3 to 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर ये हो गया था, और इन दोनों के बीच में अगर कट लगाएंगे तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 में से 2.5 गया 2.5, और इसको अपन 2 से कर देंगे तो 1.25। तो इसमें से अगर 2.5 में से 1.25 करेंगे तो लगभग 3.5
से 3.7 के आसपास अराउंड आएगा, तो इसको अपन 3 से 4 सेंटीमीटर के अराउंड अपन लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल रिमेनिंग लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड टुवर्ड्स न्यू बोर्न साइड, तो इसकी लेंथ आएगी 3 से 4 सेंटीमीटर। और बात करें, ये तो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल अगर बेबी हुआ है, नॉर्मल न्यू बोर्न है, उसके अंदर ये लेंथ होगी। अगर हाई रिस्क कंडीशन, हाई रिस्क प्री टर्म बेबी अगर हुआ है, तो उसके अंदर लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आईवी कैनूला इसी के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। तो अपन ने देख लिया आज की क्लास में, इंट्रोडक्शन देखा पीडियाट्रिक का, इनिशियल असेसमेंट देखे, इनिशियल इंटरवेंशन देखे, इंटरवेंशन में अपन दो देख लिए।